प्लेन पेपर लीक होते थे, मगर पहले हीरोइनों ड्रग्स भी नहीं पकड़ी जाती थी। ईडी जी में आईडी मोदी जी की है और किसी की? सरकार ने खरीद लिया ये। सरकार ने खरीद लिया और इनको राहुल गांधी ने खरीद लिया। कांग्रेस के टाइम पे कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानवती ने कुनबा जोड़ा। सेशन कोर्ट किसका है? मोदी जी का है। हाई कोर्ट मोदी जी, तू भी मोदी जी का है। सरकार क्या? सरकार जब बात करती है, अभी यही लोग कहते हैं जो इस बच्चे के पिता ने पैसे दिए हैं उसके साथ कानून है, जब सरकार उस पर संज्ञान लेती है, बिल्डोजर चलाती है, ये हाय हाय छाती पीटते हैं, ये दोगले तंता है, दोगले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोना। आपको बता दें कि आज वो पहला ऐसा दिन है कि भाजपा की सरकार ने तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री नए संसद में पहुंचे और तमाम सांसदों के साथ अपने उन्होंने शपथ ली। अब विपक्ष यहां पर दो तीन तरीके से सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि अब की बार जो है वो ये सरकार 6 महीने भी नहीं चलेगी, पहला ये मुद्दा। दूसरा, ऐसे तमाम मुद्दे हैं क्योंकि विपक्ष कहा जा रहा है कि अब की बार मजबूत है और विपक्ष बार बार खुद भी कह रही है कि हम अब की बार मजबूत है और सरकार पिछली बार या फिर उससे पहले की अगर बात करें 2014 की बात करें 2019 की बात करें तो उस टाइम पर जो मन करता था वो जो है वो कदम उठा लेती थी और उससे आम जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था इसको लेकर के। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब की बार हम वैसा कदम नहीं उठाने देंगे। अगर सरकार बाहर कोई काम कर रही है तो हम उससे जुड़े हुए तमाम सवाल करेंगे और अपनी जनता को हम पूरी तरीके से जो है वो सेफ रखेंगे, संविधान की बात करें चाहे जिसकी बात करें। अच्छा ये बताइए, लगातार विपक्ष की तरफ से अब की बार कहा जा रहा है कि पिछली दो बार जो भी हुआ सरकार को वो नहीं करने देंगे और अब की बार जो है वो हम सवाल उठाएंगे क्योंकि हम मजबूत हैं। देखिए, जो आप विपक्ष की बात करो, विपक्ष को हमेशा जब कम संख्या में थे सदन में उनको बोलने का मौका देता था, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा एक सेट रखते थे, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमारे माइक बंद कर दिया। ठीक है, आप मजबूती से आए हैं, अब जब सदन में जो सत्ता पक्ष जनता के हित के लिए प्रस्ताव रखेंगे, जब वो विपक्ष क्या करेगा वो खेल देखेगी जनता, और जनता ने जो विपक्ष दिया है तो मजबूती का दिया, तो जनता जनार्दन, लोकतंत्र की भगवान जनता है, जनता ने मजबूत पक्ष भी दिया है। 240 इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी सांसद है और इंडिया गठबंधन के NDA गठबंधन के 292-93 सांसद है, तो ऐसे घड़ियालू वासु बानन का जो 8500 रुपए महिलाओं को गारंटी है, जो हिमाचल में सरकार है, राज्य में सरकार है, वहां पर पैसे कब देगी, जो बात करते कर्नाटक में महिलाओं का सम्मान की कब नीति देगी, सिर्फ कांग्रेस का दे रहा है। 50 साल इस देश में 76 राज कर उन्होंने देश को अगलाना बरगलाना इन्होंने सीखा है और जनता को कुछ कमियां लगी सरकार में तो विपक्ष की, हम अच्छी बात है विपक्ष मजबूत दिया है, त्रुटियां कभी इस की नहीं और इस देश पर बेरोजगारी की बात करती है उस पर जाइए जरा। देखिए, बेरोजगारी की आपने जो बात की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर 10 सालों में डेवलप हुआ 50 सालों में नहीं हो पाता, जो आप बात कर रहे हैं जो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं 50 सालों में यही विपक्ष सदन में था, वो सत्ता पक्ष में था, कभी उन पर नहीं आया। अब शास्त्री प्रधानमंत्री जी, सवाल पूछूं? पूछिए सवाल। यहाँ जो छात्र हैं वो सड़कों पर खड़े हुए हैं। देखिए, छात्रों के साथ लगातार पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं। छात्रों के साथ मैं भी हूँ, मेरे घर में हुआ है, मेरे छोटे भाई चाचा के लड़के उनका भी हुआ है, और ये जो पहली बार नहीं हुआ और इस पर सरकार संज्ञान ले रही है और हम इस पर राजनीति नहीं कर रहे। दस सालों से संज्ञान इसमें दस सालों से हम तो घर में भुगत भोगी है। जो आप बात करें, सन 80 में JBT दिल्ली में JBT होती थी, सरकारी नौकरी नहीं मिली, DTC में मेरे दादाजी थे, उनको VRS लेनी पड़ी। जो आप बात करते हैं विपक्ष की बात करो, सत्ता में थे इसी सिंधिया हाउस में, ये ऐसे ऐसे चलने की आदत है क्या? सवाल मेरा सिर्फ ये है कि पेपर लीक हो रहा है और सवाल ये है कि पिछले 10 सालों से सरकार काम कर रही है। देखिए, सरकार के जो बात कर रहे हैं, जो राजस्थान में पहले किसकी सरकार थी, जो आप बात कर रहे हैं अधिकारी सरकार के नहीं है, अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है, अधिकारियों की मिली भगत है और बिचौलिए अपना काम कर रहे हैं तो फिर निकल कैसे। जो आप बात कर रहे हैं UP में जो बिल्डोजर चलता है, तो ये गलत सरकार क्या कर रही है भाई? अभी सवाल का जवाब, सरकार क्या करे? सरकार जब बात करती है, आपने तो अभी यही लोग कहते हैं जो इस बच्चे के पिता ने पैसे दिए हैं उसके साथ कानून है, जब सरकार उस पर संज्ञान लेती है, बिल्डोजर चलाती है, ये हाय हाय छाती पीटते हैं, ये दोगले तंता है, दोगले तो बात करते हैं, विपक्ष हल्ला मचाता है, एक मजहब को टारगेट, खाली हल्ला मचाते हैं। पूछो 14 साल से क्या संज्ञान लिया सरकार ने, बताइए 14 साल का संज्ञान बताइए। 14 साल UP में जो कानून बना, जो बिल्डोजर की बात करते हैं, जो पेपर लीक के में जब उसके कानून बन रहा है तो उस पर विपक्ष मचा रहा है। जो सिर्फ बात करें, जब कानून कड़ाई से पालन करते हैं, जब कानून का
वो किया जाता है तो यही विपक्ष घड़ियालू आंसू बहाती है। एक सरकार जो है वो पेपर लीक के मैटर पर क्या कर रही है, मतलब पिछले कह नहीं तो पिछले 10 सालों से काम। अभी ये जो बड़े भैया खड़े हैं ये कह रहे हैं कि सरकार ने इतने बैक टू बैक सालों में बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन सरकार ने जो 50 सालों में जितने पेपर लीक नहीं हुए थे वो लगभग 1-1.5 साल में ही करा दिए हैं। क्या आप इसका जवाब देंगे? NTA ने जो नीट का एग्जाम कराया था उसने UGC नेट DRF का एग्जाम कराया और पहले से ही उस पर धांधलेबाजी का आरोप लग रहा था, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने क्यों उसी NTA को कहा कि नेट वाला एग्जाम भी करा लीजिए। बहुत सारे बच्चे बहुत गरीब होते हैं, 1-1 रुपया जोड़ के फॉर्म भरते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गर्मियों में एग्जाम सेंटर पे पैदल चल चल के गए हैं। आपको और बता दें, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको ये कह दिया जाता है ना कि अब की बार तुमने फॉर्म भर दिया है, एग्जाम दे लो, ठीक है ना, अगर ये नहीं निकला तो तुम्हारी शादी करा देंगे। नहीं, इस बात से मैं छूता नहीं हूँ, आप जो बात मैं एग्री हूँ, लेकिन जो बात करें हम छात्रों के हित को राजनीति में नहीं लेते, जो गलत हो रहा है उसके हम साथ में, और जो हर एक चीज का पहलू की बात कर रहे हैं, जो आप नीट की परीक्षा की बात कर रहे हैं, आज उजागर हो रहा था, आप जिसे मीडिया थी, जो मीडिया का आवाज खुलने का काम जो सरकार है जो दिखाई दिया रहा, जो आज बच्चे अपनी उसकी आवाज उठा रहे हैं बुलंदी, तुम पहली बार तो मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूँ उन बच्चों के। नेतागिरी बढ़िया करते हैं, देखिए नेतागिरी क्या जो जो बच्चे होते हैं जो एग्जाम देने जाते हैं, अगर वो युवा बच्चे जो अपनी आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है, झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं, इनकी जो सरकार है वो उन पर लगा देती है। दूसरी चीज, क्या जो बच्चे पेपर देने गए थे वो जो किराया अपना लगा के गए थे इनकी सरकार वापस करेगी? उन्होंने जो फॉर्म भरा था उसके पैसे वापस करेगी सब बच्चों के? क्या वो लड़के और लड़कियां अपना घर परिवार छोड़ करके धूप में पैदल चल करके गए थे, 1-1 दिन में ऑटो से गए, ऑटो से गए और उन्होंने 400-500 रुपए एक दिन में खर्च कर दिए। ये कहने का मतलब इनकी ये है कि ना वो उसका पैसा वापस करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, बस पेपर दोबारा करवा देगी। जो समय उनका बर्बाद हुआ तैयारी करने में, जो उन्होंने कोचिंग को फीस दी थी, क्या आपकी सरकार वो पैसे वापस करवाएगी स्टूडेंट का? सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, जो आपने कहा सरकार के उसमें सोल्यूशन का सरकार करेगी, और सरकार जो शिक्षा मंत्री है और संज्ञान ले रहे हैं, जो संज्ञान सरकार सत्ता ले रहे हैं, जो अच्छा उनका सवाल कुछ और है, उनका सवाल ये है कि जो टाइम चला गया उसको कौन भरेगा? उनका सवाल ये है कि जो हमारा पैसा चला गया वो कौन भरेगा? उनका सवाल ये है सरकार वापस करेगी? सवाल ये है, ठीक है, जो आपने बात की, जज का बेटा पहले जज लगता था, आज आम रिक्शा वाला जो आज बात कर रहे हैं IAS IPS बन रहा है, किसी सवाल कुछ और है, सवाल यही है, सवाल कुछ और है, सवाल कुछ और है, सवाल कुछ और है, सवाल ये है, अरे सवाल सुनिए, सवाल ये है, सवाल अरे सवाल सुनिए एक सेकंड, सवाल ये है कि जो बच्चों की उम्र जा रही है सरकार उसका क्या करेगी? जो उनका पैसा खर्चा हुआ सरकार उनका क्या करेगी? जो लड़कियां आप पेपर नहीं दे पाएंगी सरकार उनका क्या करेगी? सवाल ये है। देखो सरकार के तो दोबारा करने है, सरकार क्या दिला दो रही है ना, अब उधर फैमिली का मैटर है ना, जो अरे क्या बात है, जो सरकार ने कहा कि हम इसकी परीक्षा दोबारा करवाएंगे, तो जो संज्ञान की बात है अपनी मांग रखी है, तो सरकार ये सलूशन है। ये दबाने की राजनीति, ये दबाने की राजनीति एक और बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं सर, एक सेकंड ना, मैं भी भाजपा का वोटर हूँ, ये मुद्दे पर है, ये पर नहीं है, सुनिए मैं बता रहा हूँ, पेपर दोबारा दिलाना सोल्यूशन नहीं है, पेपर देने जो 1000 रुपए खर्च हुआ ना देने गया लोग, और जो हम मैं खुद अपनी वाइफ को दिलाने गया था, जो इतने बड़े बड़े बच्चों को लेके 3 घंटे बैठे थे ना इतनी गर्मी में अभी नेट का पेपर देने के लिए, उसका कौन हर जाना भरेगा? कह रहे हैं कि दोबारा परीक्षा होगी। नहीं दोबारा सब 100 बात की एक बात, अरे सुनिए तो 100 बात की एक बात कह रहे हैं दोबारा परीक्षा करवा सर, मेरी नहीं ये कोई आंसर नहीं है, मैं भी भाजपा सपोर्टर हूं, पर ये कोई आंसर नहीं है, इस चीज पे कंडेम होना चाहिए, नहीं है आंसर। देखिए मैम, क्या बोलते हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस विषय में संज्ञान ले लिया है और वो उस पर प्रकाश भी डाल दिया है, उसके लिए कब तक प्रकाश पड़ेगा? देखिए मैम, जो भाजपा की एक राज्य मंत्री है वो बेटी पढ़ाओ ये नहीं लिख पा रही है, पता है आपको, जो 12वीं पास है
उन्होंने ये नहीं लिखा लिख पाया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नहीं लिख पाई है। आपको पता है कैसे कैसे लोगों को बना दिया गया है? दूसरी बात, जिन लोगों का इस बार लास्ट अटेम्प्ट था, जिन स्टूडेंट का लास्ट अटेम्प्ट था, उनके लिए आपने आगे बढ़ा दिया है, वो कैसे पेपर देंगे? कैसे देंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था? उनकी एज निकल गई, कौन देने जाएगा बताओ? पैसा लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे? आज तक किसी भी जब पेपर लीक हुए हैं कितनी सरकारों ने वापस दिया, और सरकार से आप मांग रखिए, मैं मना नहीं करता, और संज्ञान में जाएगा। ये सरकार देश हित की, छात्र हित की और युवा हित की है, और जो सोल्यूशन होगा ये सरकार देगी। और जो बात कर रहे हैं, जो आज तक किसी ने सवाल ही नहीं बताइए, ये कह रहे पेपर लीक, हमारे शिक्षा मंत्री कहते पेपर लीक नहीं हुआ, और नीट कह रहे पेपर लीक हुआ। अरे मारे नहीं, नहीं 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 माना, नहीं माना। और नीट का जो पेपर लीक हुआ, हमसे गलती हुई, पेपर लीक हुआ गोधरा के अंदर, जो पेपर हुआ एक ही सेंटर पे, जो दूर दूर से लोग आए एक ही सेंटर पे, पहले पेपर पहुंच गया, उनको पेपर दिलवाया गया, उनको उसी जगह 26 लड़के एक ही जगह एक ही पेपर दिलवाया गया, जबकि वो गोधरा के थे ही नहीं, दूसरे स्टेट से आए थे। जो परीक्षा का है, जो सरकार देखो अधिकारियों की इसमें लिप्त है और उसकी जांच होनी चाहिए, मगर 62 साल से पेपर लीक होते थे मगर जांच नहीं होती थी। सुनो, और जो कितने साल के हो? मैं 24 साल का हूँ। 24 साल के हो तो भी साल पहले आप बोल रहे हो कितने पेपर लीक नहीं हुए बताओ मेरे को। मैंने खुद दिया था। अरे पहले अपराध होता था, आप अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराध घटा है। देखो यूपी पुलिस में कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ। अरे रुको, एक मिनट रुको। अच्छा सुनो, मगर चोरी इतने सालों में क्यों हुआ? अरे चोरी पहले से बराबर घटी। पहले पेपर लीक होते थे मगर पहले हीरोइन और ड्रग्स भी नहीं पकड़ी जाती थी। अगर ये मिले होंगे तो ये खुद ही क्यों पकड़वाएंगे? फिर 12वीं पास अरे आपकी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी? यार चीज खेलते हो बैठ के, खेलते अपने मर्जी से खेलेंगे क्या? खेलेंगे पूछ के खेलेंगे क्या? खेलेंगे पूछ के खेलेंगे क्या? कभी घोड़ा अरे सुनिए तो, शिक्षा मंत्री की जवाबदारी है, राहुल गांधी की तरह नहीं कि अगर इनकी राज हो। बिल्कुल सुनो ना भाई, मैडम जांच होनी चाहिए, मगर पहले जो आवाज उठाता था ना ये उसका मोए मोए कर देते थे, अब तो जांच हो रही है और इनके राज में इनके आज जो युवा है वो सड़कों पर खड़े हैं। जांच होनी चाहिए, युवाओं की सुननी चाहिए। सवाल तो घूम के यही आ रहा है कि जांच कब तक होगी? सीबीआई किसकी है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसका है? एक मिनट, सेशन कोर्ट किसका है? मोदी जी का है। हाई कोर्ट सब कुछ मोदी जी, तू भी मोदी जी का है, अरे बच्चे तक तुम लोग कह रहे हैं मोदी जी की देन है। मोदी जी किसके किसके घर जाते हैं? देखो ओ भाई, हेलो, ये मोदी जी की है, ईडी सीबीआई आईडी मोदी जी की है और किसी की नहीं है। देखिए सवाल उठ रहा है ना कि सारी मोदी जी की है, ईडी सीबीआई ये भी मोदी जी की है। हाँ मैं मोदी जी का नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं मोदी ईडी सीबीआई ईडी वो कहते ये बेच दिया ये बेच दिया ये बेच, अरे खरीद जा बता तू जी, सरकार ने खरीद लिया ये, सरकार ने खरीद लिया, और इनको राहुल गांधी ने खरीद लिया, इनको पता क्यों? हम नहीं कह रहे, हम बीजेपी के हैं, हरियाणा में बीजेपी ने गलती करी, हमने विरोध करा, सुन लो, हमने खुद बोला उत्तर प्रदेश में इन्होंने गलत टिकट बांटी है। अगर हम बीजेपी के होते तो हम बीजेपी के बारे में गलती क्यों बताते? क्योंकि वो तो कहते कि तुम तो न्यूट्रल चलो भाई, तुम्हारा तो हिसाब किताब, मगर इनको तो भर के भेजे 10 जनपद और अकबर रोड से, क्या कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, रॉबर्ट वाड्रा और पप्पू की बुराई मत कर रहा। इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई एजेंडा, इनके जब इनके पास जवाब है तो रॉबर्ट वाड्रा
और कि आपका कोई एजेंडा नहीं है, आप उनको कह रहे कोई एजेंडा। रॉबर्ट वाड्रा कहां से, रॉबर्ट वाड्रा कहां से आ गए जब पूछो जरा। अरे तो जीजा जी को तो दिया सारा तुम लोगों ने, जीजा जी तुम्हारा हमारा। सुनिए सुनिए, एक लाख से रॉबर्ट वाड्रा की इनकम थी 1 लाख रुपए और आज करोड़ों में खेल रहा है रॉबर्ट वाड्रा। आज इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार, कहां से आ गए वो पैसे? ये भी नहीं पता कि राहुल गांधी का जीजा रॉबर्ट वाड्रा है। ये कह रहा जीजा जी तो तुम बोल रहे हो। वापस आइए नीट के एग्जाम पर, नीट में जो वापस आइए एग्जाम नीट में जो हुआ है, सुनो जो भी हुआ है, तीसरी बार आई है तो पब्लिक ने सोच के वोट दिया होगा। पहली बात, इनकी सरकार 3 बारी में 240 नहीं कर पाई, अब ये लोग कह रहे हैं कि अयोध्या हार गए। आज वो मोदी जी की फोटो आने वाली है, सुनो ना, आज मोदी जी वहाँ पर संसद में कहे तो ये लोग बाहर आके बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दिखा रहे हैं क्या? मगर जब कन्हैया को काटा जाता है तब संविधान खतरे में हो जाता है। अरे वो जब एक लड़की को सब 20 सड़क पे एक लड़के ने 15 बार मार दिया, कोई भी नाम ना, सबको पता, मुझे ऐसा मुझे नाम तो क्या लेना नहीं बता। देखिए तो एक बार बोल दो, देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार कौन बना बता दो? कहीं का रोड़ा भानवती ने कुनबा जोड़ा। अब सुनो, राहुल गांधी के राज में मिला के भी नहीं हरा भाजपा को। अरे बोलिए बोलिए आप, भाई साहब भैया, अरे तुम उधर क्यों बहस कर रहे हो? ये सुनेगा नहीं, अरे इधर सुन लिया। आज अरे रुक जाओ भाई, लोकतंत्र है, अरे लोग अरे इनका लोकतंत्र खतरे में है। नेहरू जी का नाम एक बार राहुल गांधी जी की जुबान पर आया तो बता दो किसी सार्वजनिक रैली में, बताओ भैया कहाँ है? इंदिरा गांधी का आया, नेहरू जी का नाम लिया, अपनी माँ का नाम लिया, अपनी दादी का नाम लिया, शहीदों का नाम लिया कि हमारे परिवार ने कितनी शहीदी दी, शहीद हुए हमारे परिवार के, शहीद होने का जिक्र कर रहे हैं, इनको मोदी का चश्मा पहन रखा इन्होंने, मैडम हमें मोदी और योगी से कोई लेना देना नहीं है, मगर इनसे ये पूछ लो, मेरा क्वेश्चन है, ये जो बोले शहीद, ठीक है शहीद हुए, लेकिन जब देश के जवान शहीद होते हैं तभी प्रूफ मांगते हैं, ये कैसा शहीद है? धोती वाले शहीद है, ये वाला शहीद नहीं है। ये यहाँ की जनता है, और बेसिकली अगर नीट की बात करें तो इनका ये कहना है कि जो नीट का एग्जाम है उसके सरकार उस पर काम कर रही है और दोबारा से उसको करवाने की कोशिश कर रही है। तो वही कुछ लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन बच्चों का क्या है जो आज यहाँ सड़कों पर खड़े हैं, उन बच्चों का क्या होगा, उन औरतों का क्या होगा, उन बच्चियों का क्या होगा जिनको ये कहा जाता है कि बिटिया तुम अब की बार ये एग्जाम दे ले लो, अब की बार जो हम शादी कर देंगे, हालांकि उस पर सरकार काम कर रही है। यहाँ के लोगों का कहना है, अब देखने की बात होगी कि सरकार उसको लेकर के क्या एक्शन लेती है, क्या वो अब इस पेपर लीक के जो बार बार पेपर लीक हो रहा है उसके मसलों को, उसके जो वो लोग जो है उसमें बैठे हुए हैं उसको करवाने में पूरी तरीके से कामयाब होती है, या ये सिलसिला जो है वो लगातार यूं ही जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं मोना।